हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान हो, क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता चाहे। होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं, अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया, सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या जी? भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं, मोटरसाइकिल? नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में अरे सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता रहे, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को तो मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश, इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले भाई, ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट? हैं? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा, अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को, फोन रख दे, फोन रखो, क्या बनाते हैं हमें। 93.5 FM बजाते रहो बउआ बोल रहे हो कि नमस्ते। हेलो जी, बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन सुबह के टाइम भाई साहब, गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी सॉरी, नहीं सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको तारा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ तारा, तो काउंट करिए, तारा कितनी बार है? 1, 2 है ना। अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था, करे शुरू करें। आप जोर से बोलना, जैसे वो तारा बोलेगा आप बोलना 1, शुरू करें। ठीक है। 1, 2, 3 तो 3 तारा इसमें, ठीक? ठीक है। तो ये level 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं, जब भी ला बोले आपको 1, 1, 1, 2, 3 ऐसे बोलना, स्टार्ट। 3, 4, 5 गाड़ी छूट गई फिर से, जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी। अब एक आखिरी भाई साहब, एक आखिरी। नहीं भाई मुझे भाई आखिरी, एक कुका काउंट कर लो इसमें। कुका? कुका क्या होता भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे। जल्दी कर, स्टार्ट करते हैं। हाय नी तेरा कुका, 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 कुका। 4 भाई साहब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे। नहीं सुन, तो मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं करे। 4 ही हुआ। 1 सेकंड, जैसे मैं बताता हूँ। हाय नी तेरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के साथ। स्टार्ट, 3, 2, 1 स्टार्ट। हाय नी तेरा कुका, 1, 2, 3 आखिरी एक में मैं तू करके दिखा दे, मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ, देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है? 42, 43, 42, 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप।
और गलत हेलो हेलो हाँ जी कौन हेलो 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 बोल कौन रहा है जी अंकिल नमस्ते मेरी आवाज आ रही है मैं बहुआ बोल रहा हूँ कहाँ से मैं तो यहीं से मतलब काम क्या है ये कह रहा था भाई कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बना रहा था उनकी हेल्प कर रहा था तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ आप सुनेंगे तो बन सकते हो बड़े आप फोन काट के नहीं नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ है? बनना चाहेंगे तो देखिए अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब थैंक यू बोलेगा आपको कोई थैंक यू बोलेगा और आप पलट के क्या बोलोगे यू आर वेलकम यही नहीं करना है आपको नहीं करना है नहीं करना है फिर क्या करना है यू आर वेलकम नहीं बोलना है क्यों क्यों नहीं बोलना आपने सपोज उसको यू आर वेलकम बोल दिया बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है कब और कहाँ अच्छा मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है वो बोलेगा कब और कहाँ तो अच्छा। आप उसको बोले आया ना भाई मिलने आना अच्छा तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है हाँ। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में वैसे आप काम क्या करते हैं जी मैं अकाउंटेंट अकाउंट में काम करते हैं अकाउंट सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला भाई पहले तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता कोई इंसिडेंट होता है चलो वही हो गया तो वो भी अकाउंटेंट निकला आपके ऑफिस में वो आ गया रिसेप्शन पे खड़ा है आप उससे मिलने गए फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है हो हल्ला मच रहा है आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए वहाँ आप उसके साथ बैठे लेकिन एचआर आ गई तब तक एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग ठीक है आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन दो मिनट फिर एचआर पूछेगी ये कौन है तो आप बोलोगे कौन है वो कौन है वो मेरे दोस्त है फिर पूछेगी क्या करते हैं वो फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है प्लीज कैन यू वेट फॉर टू मिनट्स फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया अच्छा तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है अच्छा ये अच्छा है वैसे घंटा अच्छा है आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया आपसे ज्यादा सैलरी तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे योर वेलकम ये नहीं बोलना ये नहीं बोलना नहीं बोलना ना भाई साहब नहीं बोलना कभी भी नहीं बोलना चुपचाप करता थैंक यू भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज जिंदगी में कुछ भी करना है क्या नहीं बोलना है योर वेलकम अरिहंत ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में क्या इस पे बहुआ कुछ मस्ती कर सकता है ये सुनिए हेलो हेलो व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज लॉन्ग टाइम कौन बोल रहे हैं बहुआ बोल रहा हूँ दीदी कौन दीदी मैं आपसे दो मिनट चाहिए अगर समय है तो मैं कह रहा था खेल शुरू करें खेल शुरू एक मिनट दीदी राजी तो हो जाए हेलो जल्दी करो ना बात करनी है आप हम ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे प्राइज देंगे मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया दो प्लीज एक सेकंड बस हेलो अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप जुम्मन सुरूर जी अंताक्षरी खिलाड़ी दो मिनट दे देंगे दीदी बोल रहे हूँ ना मैं तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब कि मैं क्या करूं हाँ। मुझे क्या करना लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक दिन हो गया क्या तू और एक सेकंड जुम्मन सुरूर जी हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना बस से गाने बस गाइए बदमाश तेरे नैना वाह बहुत बढ़िया अरे पागल हो गया क्या 10 नंबर मिलेंगे आपको थैंक यू जोरदार तालियां दीदी हमको 10 नंबर मिल गए 10 नंबर अपने मुंह में घुसे गंदा बोल लिए काट दिया फोन हेलो आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों अपने अपने जूते तह से गाना है पागल हो गया टिक टिक वन माँ को बुलाना अंताक्षरी बार बार दीदी तह से गाना है टिक टिक सेवन झापड़ वहाँ ना मुँह लाल कर दूंगा तू मुझे कबूल
मैं तुझे कबूल इस बात का। दीदी हम क्या खुदा जुम्मन जी गाना गाई कितना आप मैं कहां से दीदी पैदा हो गई जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना। बच्ची पूरा सुन ले। एक हेयर कट है साधना। सुन पहले पूरा। सुनिए खलबली मचा दी हेयर कट ने गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। एक सेकंड खलबली साले खलबली जब मचेगी जब तेरा मुंह डंडा जाएगा। टॉप है ये टॉप है। साथ तेरे मुंह में घुसा ले फोन कंडा बढ़िए फोन काट दिया। जुम्मन जी टा से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच। टिंगला कड़ी आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो हेलो ओ कौन बोल रहा है? बउआ बढ़िया हूँ आप सॉरी इफ यू आर अवेलेबल फॉर टू मिनट्स। हेलो तुम्हारे हेलो में कितने लो की मात्रा है? मैं कह दूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह दूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी कल कौन सा डे था? हक डे ची नहीं जाना मुझे लगी नहीं तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रख। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था प्लीज एक बार। हक दे ठीक है तुम कहती हो तो कल के आता हूँ जा रहा हूँ दो मिनट के बाद करूँगा। अच्छा दो मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था उतने तो कर ही लूंगा। हो गया तेरा? हो भी गया पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह दी थी आप? मेरा कहन का मतलब था कल हक दे था गले लगने वाला दिन। ओ तो पहले बोल रहे हो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं बस तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ पूरी है। आज किस दिन? अच्छा कब कहाँ कैसे बस तू बता दे। अबे चल तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा बड़ी चहक रही हो आखिर कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल ये आज के जो मन कर रेडियो स्टेशन आ जाओ कूदियो पटक कूदियो जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा फोन रहा है। ओके ठीक है हैप्पी मंडे बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाती है इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो हेलो कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ दो मिनट। कहाँ से बोल रहा? यार मैं ऐसा कह रहा था ना दो मिनट चाहिए मैं डॉक्टर के पास आया हूँ मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना ऐसे। एक सेकंड डॉक्टर के पास टिंग टोंग। यस कम इन। क्या कम इन? अच्छा माय नेम इज बउआ डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा कमलेश इलाज ज्यादा क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकी। हाँ जी मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब बताइए क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं? नहीं मेरा दोस्त कुंकू है पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो वो छुड़वानी है। बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का तो अभी शुरू किया। अच्छा मैं ऑन डी लेट जाऊँ? हाँ लेट जाओ। नो एक सेकंड सॉरी मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप ये गंदा बोल रहे डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो पर्दे लगा देंगे घर इनके। खाने के बाद भूख नहीं लगती सोने के बाद नींद नहीं आती मैं क्या करूं? आप ऐसा करो रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती धूप बच्ची वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात
आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है? मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। डंडे जरूरत है, वो डंडे बोलते ले। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ, बउआ का। आज मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई है। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी हैं। कबाड़ी वाले कबाड़ी। एक सेकंड रुको। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। अच्छा, तो लिया होगा तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा, पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले वगैरह। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं? आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ दादाजी को, सबसे पहले औंधे मुंह लुटाना मतलब क्या? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। लिटा के लोहा कैसे मतलब? बता रहा हूँ, अभी लोहा कैसे निकलेगा? फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। भागते हुए जा, फ्रिज पर चुम्बक रखा होगा। फ्रिज पर चुम्बक करके फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुम्बक को मेरे वहाँ रख के। सही कह रहा हूँ दादा, तेरी रख के ढूंढेंगे। गलत बात कर रहे आदमी, लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देखा कि कैसी बात? मैं तो बउआ बोल रही हूँ, आपसे लोहा मांग दो। आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा दो। मैं रुकू या जाऊँ? इसको तो मैं आकर के भी लोहा देता हूँ। हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। हेलो। नमस्कार भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात? आपसे एक मिनट चाहिए भाई साहब। कई चीजों के बारे में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं जा पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान इंसान का तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। गलत बात का, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज मैंने किसी, एक मिनट, मैंने किसी से सुना गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? अबे चल पागल, फोन। एक सेकंड रुके भाई साहब, एक सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या? गलत बोल रहे आप। अबे तू चाहता है क्या है? बता चल। मैं चाह जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले भाई साहब, ठीक है? अरे बकवास कर यार। तो क्या आप घर वाले नंबर है? एक मैं, आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो, एक मिनट, मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भोंके आ रहा तू? क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो कैसे, आप कैसे उड़ाती है ये भी बता दीजिए मुझे। मान जिस तरी बांध के फिर जब उड़ाओ तब पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा, कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर उस मांझे से गुलछड़े में बांधे तो क्या गुलछड़े कट जाएंगे? गुलछड़े तो नहीं कटेंगे लेकिन मांझे से ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा, हम इस तरफ से गुलछड़े उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ, पूरे परिवार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। बस गलत, चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो। हेलो अंकल। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। राखी के त्योहार में इस बारी कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे, कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं? हाँ, यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो, मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई, वो सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है, चेहरे से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो, चल फोन रख दे चल मेरे। हेलो भाई। हेलो।
नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे, वो फोन कट किया था। ठीक है, कैश अलाउड नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला, मेरी मर्जी, मैं कैश दू या क्या दू। जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को, अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। हेलो, फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ तेरी सारे सजेशन में तेरी नहीं। आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है ये, क्या कौन से त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा, हेलो, ये फूफूफू क्या हो रहा है? या तो फूफूफू एक साथ कर ले दो रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत, चल रही है, तू तो रुक जा ना। माफ नहीं कर रहा, तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी बात सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता। तो बैन धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश और क्या गिफ्ट दो? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो साले, अगर मैं ऐसे तो नहीं, तू उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, लगता है रख दिया, रखा नहीं है वो अंदर। ये बात कर रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल लो। हेलो अंकिल जी, नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बहुआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत आप... बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। बोल रहे आप लोग, एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, दो मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे, भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है, बस ले लो। मुझे खुंदक खा ले तुम्हारी, खुंदक ऐसी खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी, चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई? मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या। आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ, सर के ऊपर हाथ। चल बैरागी जी, चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में, हाँ। ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग मौसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर एफसी रॉकिंग नहीं होता? 93.5 FM बजाते रहिए। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, तो मैं आपसे एक मिनट मदद चाह रहा था, मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूँगा भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों, एक सेकेंड, शुक्रिया शुक्रिया, बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज, मैं अपना भाषण शुरू करूंगा, एक सेकंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब। हेलो, स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है लोगों के साथ थोड़ा। मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए कुछ, मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब। भाई मैं क्या, थोड़ी सी, एक मिनट मेरे प्यारे दोस्तों। भाई ये तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, दो सॉरी बहनों। अरे मेरे भाई और बहनों होता सही, सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों। अरे आगे तो बोल रहे, सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बोल दे आगे, ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार का मैं जरूर चुकाऊंगा, मैं जरूर चुकाऊंगा, आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा, बसा के रखूंगा, दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं बता भी सही, क्या करेगा क्या तू आगे? एक सेकंड रुक जाना, ठीक है,
अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस, तो मिलके हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो, पब्लिक ताली भी बजा। एक सेकेंड, पब्लिक इसमें ताली बजा। भाई साहब आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं आपकी फाड़ दूंगा, तो मैं आपकी। भाई साहब क्या बुलवा रहे, भाई साहब पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है, देखो शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। नहीं एक सेकेंड, भाई साहब आखिरी दो शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज उसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल दारू भी नहीं, रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब, यार पब्लिक चिल्ला भी रही है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप। आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको बताओ आप कौन। अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना तुम कौन। सॉरी मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है, पानी कम है पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मैंने पूछा क्या तेरे से? तो एक मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सोल्यूशन निकल आए, हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सोल्यूशन है। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है तो आपको सबसे पहले तो हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। चलो पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी। एक सेकंड देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो माँ बाप क्या करेंगे, आपको प्रेशर डालेंगे, फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो, बाप को आप पे तरस आएगा, बाप सोचेगा कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा, तब आप बाप को बोलना कि भैया अंकिल पापा हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे जरूर, मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो बीच में टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुँह पे। ढंग में बोल, गधे के बच्चे मुँह पे रायता मारूंगा तेरे। सॉरी। तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट लोगों को बोलोगे, आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात। एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेगी कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं चप्पल मुंह पर थे, वो चोरी की चप्पल मारो। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे, उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो सुबह उठ के आदमी एक एक गिलास पानी पीता है, और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आए, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए, तो पानी बचाए कि नहीं आपने, बताइए? सारे तेरे वहीं आके मारो तेरे नंबर निकाल के तुझे, दिमाग खराब कर रहा है। पानी मुंह में आए कि नहीं बताइए? गलत बोल रहे है, ची बोल रहा है मेरे को, एक तो मुंह में पानी ले आए फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया, आप बताइए? 93.5 रेड एफएम बताते, सॉरी बजाते रहो, पानी बचाते रहो।